पुरानी दिल्ली का मशहूर नहारी बल्ली मरान नहारी रेस्टोरेंट अब आपके शहर मुमरा में। आपको दिल्ली जाने की अब जरूरत नहीं, जहां आपको मिलेगा बल्ली मरान स्पेशल थाल, बोंग नहारी, मटन नहारी, बफाया मटन भेजा तड़का नहारी, दिल्ली की डेक मटन चाप मसाले के साथ, आपका पसंदीदा रोटी नान, लवासा नान, तंदूरी रोटी और कुलचा भी मिलेगा। हर एक स्वाद हमारी कहानी का हिस्सा है, बल्ली मरान नहारी रेस्टोरेंट जो अब आपके शहर मुमरा में। बेमिसाल स्वाद के साथ दिल को छू जाने वाला जो आपको हमेशा याद रहे। बेहतरीन सर्विस के साथ बल्ली मरान नहारी रेस्टोरेंट से आप घर बैठे फ्री ऑर्डर कर सकते हैं। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। खाने काबा की तस्वीर पायदान पर छापी गई थी और ये पायदान पर खाने काबा की तस्वीर जो छपी थी ये वी बाज़ार में बेचा जा रहा था। बताया जा रहा है कि ये जो मैट यानी कि चटाई ये पायदान है और इस पर खाने काबा की तस्वीर छपी थी। जब इसकी तस्वीरें तमाम सोशल मीडिया में वायरल होने लगी तो मुस्लिम समाज के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और वो सड़क पर उतर कर हंगामा शुरू कर दिए। मामला यूपी के बलरामपुर के उतरौला का है, जहां श्यामा जी प्रसाद मुखर्जी चौक पर वी मार्केट में खाने काबा की तस्वीर छपी हुई चटाई बेची जा रही थी। दरअसल खाने काबा की तस्वीर इस पर छपी हुई है और इसी को लेकर ये पूरा विवाद शुरू हुआ। हालांकि कुछ लोगों ने इस पूरे मामले को लेकर पुलिस में शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग भी की थी, मगर खबरों के मुताबिक इस पूरे मामले को लेकर मुस्लिम समुदाय का गुस्सा फूट पड़ा और वी बाज़ार के पास ही मुस्लिम समाज के तमाम लोग इकट्ठा हो गए। यहाँ पर काफ़ी हंगामा हुआ, बताया जा रहा है कि पत्थर भी चले, लेकिन मौके पर पहुँची पुलिस ने किसी तरह से भीड़ को काबू किया, बाज़ार को बंद भी कराया और लोगों को समझा बुझाकर वहां से हटाया गया। वहीं पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। मामला भी पुलिस ने विभिन्न धाराओं में दर्ज किया है। साथ ही पुलिस ने लोगों से आह्वान भी किया है कि सोशल मीडिया और अराजक तत्वों के बहकावे में ना आए और शांति बनाए रखें। अगर किसी ने भी कानून को हाथ में लेने की कोशिश की तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल जिस तरह से पायदान पर खाने काबा की तस्वीर छपी हुई थी और इसको लेकर जो पूरा मामला सामने आया, पुलिस दोषियों पर कठोर कार्रवाई करने की बात कही है। मामला भी दर्ज किया गया है, लोगों से आह्वान किया गया है कि वो शांति बनाए रखें और माहौल भी अब शांत है। जनपद बलरामपुर के कस्बा उतरौला में कल कुछ लड़कों के द्वारा वी बाजार शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जो जा नमाज होता है, जो प्रेइंग मैट होता है, जो मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा उपयोग में लाया जाता है नमाज पढ़ने के समय में, उसको उसकी फोटो लेकर उसको पायदान या डोर मैट के रूप में सोशल मीडिया के माध्यमों से उसकी फोटो को शेयर किया गया, प्रचारित किया गया। इसके पश्चात रात्रि में कुछ अराजक तत्वों के द्वारा धारा 144 का उल्लंघन करते हुए अराजकता फैलाने का प्रयास किया गया था। उसमें गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। जो वी बाजार के विरुद्ध जो तहरीर प्राप्त हुई थी उसमें भी अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसमें यह क्लैरिफाई करना आवश्यक है कि जो जानमाज है वो उसी डायमेंशंस में ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स पे भी जैसे अमेजोन गूगल पे अवेलेबल है। अभी भी कुछ लोगों के द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से ये प्रचारित करने का प्रयास किया जा रहा है, गलत तथ्यों के माध्यम से कि वो पायदान है। इन व्यक्तियों को चिन्हित किया जा रहा है जो भी इस तरीके का र्यूमर फैलाने का प्रयास कर रहे हैं और उनके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।